हर जगह फिलहाल चर्चा अगर किसी चीज की है तो वो है कि आखिर वो कौन से 16 कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स होंगे जो बनेंगे एकता कपूर एंड कंगना रनौत के नए रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा। वेल, हर एक सेलिब्रिटी से फिलहाल जानने की कोशिश की जा रही, मीडिया वालों से, हमारे सूत्रों से भी, कि आखिर क्या हम आपको देख पाएंगे इन लॉकअप। इसके ऊपर जो है उर्फी ने भी एक जवाब दे दिया है और क्या कहा है उन्होंने, आपको बताती हूँ। इस वीडियो में देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, उर्फी जो है बिग बॉस OTT में दिखाई दी थी, भले काफ़ी कम समय के लिए वो बिग बॉस की OTT में थी, लेकिन हमेशा से वो सुर्खियों में रही है उनके फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस को लेके और उनके यू नो स्टेटमेंट्स को लेके हमेशा वो सुर्खियाँ जो है बटोरती रहती है। वेल, इस बार उनसे मीडिया ने जो है पूछ लिया एक सवाल कि क्या आपको हम देख पाएंगे इन लॉकअप। वेल, उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि नहीं, अभी तक मुझे लॉकअप ऑफर नहीं किया गया, लेकिन अगर मुझे ऑफर किया जाएगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे दिखाई जाऊँगी। अब क्या यहाँ पे मैं अपनी छाती पे लिखी दूँ कि करो मुझे ऑफर, मुझे आना है, मुझे ले लो लॉकअप के अंदर, इस तरह से भी उन्होंने कहा। जब रिपोर्टर ने जो है उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको अभी तक अगर आपको ऑफर किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल तो क्या आप करोगे, तो उनके ऊपर कहते हैं हाँ जरूर करूंगी, अगर ऑफर की तो मैं सलमान खान या शाहरुख खान की मूवी भी करने को तैयार हूँ, तो लॉकअप क्या चीज़ है, मैं लॉकअप में जरूर आऊंगी। फिर वो कहती है नहीं, एक्चुअली ना मुझे कॉल आया था, लॉकअप से मुझे कॉल आया था, मेरी उनसे बात हुई, लेकिन अभी तक मुझे उनका कोई रिवर्ट नहीं आया, उसके आगे उन्होंने मेरे से कोई कम्युनिकेट नहीं किया है, तो बात हमारी इनिशियल स्टेज पे हुई है, लेकिन आगे उनका रिवर्ट आने के लिए मैं रुकी हुई हूँ, इस तरह से जो है उर्फी बात बता देती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जिन कंटेस्टेंट्स को अप्रोच किया गया है फॉर लॉकअप सीजन 1, उसमें से एक नाम उर्फी का ज़रूर है। उर्फी ने ये बात को मीडिया के सामने आज रिवील कर ही दिया है। वेल, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया और कहीं से पता नहीं चल रहा कि वो शॉर्टलिस्टेड है या नहीं, क्या वो हम उन्हें देख पाएंगे इन सीज़न 1 ऑफ लॉकअप, उसके लिए तो हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, बट ये बात पक्की तय है कि उन्हें इनिशियली अप्रोच ज़रूर किया गया था एंड उर्फी इंटरेस्टेड भी है। क्या उनसे कोई फर्दर कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन उर्फी ये मीडिया को बताना नहीं चाहती, फिलहाल लॉक में रखना चाहती ये चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी चीज़ें होती है कि आप कुछ बता नहीं सकते, कुछ रिवील नहीं कर सकते प्रीमियर के पहले, तो शायद ऐसा भी हो सकता है, या फिर उन्होंने एक्चुअली रिप्लाई करने के बाद अभी तक लॉकअप की जो टीम है, एकता की जो टीम है, अभी तक उनसे रिवर्ट नहीं किया। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या आप उर्फी जावेद को देखना चाहोगे इन लॉकअप आफ्टर बिग बॉस OTT? बेचारी का सीज़न में काफ़ी कम वो दिखाई दी थी, बहुत जल्दी वो एविक्ट हो गई थी, लेकिन अगर मौका मिले तो अगर वो आई लॉकअप में तो आपको उन्हें देखने मज़ा आएगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर।